सिटी क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर दिन को अच्छा माने, किसी भी दिन को बुरा ना माने। मैं मानता हूं कि हर दिन आपके मन का नहीं होता, हर दिन आपके लिए अच्छा भी नहीं होता, लेकिन ये कभी ना भूलें कि हर दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होता है। 12 महीने 24 घंटे सारी ज़िंदगी अगर आपके अनुकूल चलेगी तो प्रकृति नहीं टिक पाएगी। गर्मी किसी को पसंद नहीं है, किसी को धूप पसंद है, ठंडी का मौसम कितना अच्छा है। अब आप ठंडी 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 का मौसम ही चाहोगे या बरसात बरसात का ही मौसम चाहोगे, फसलें कैसे होंगी? अब जब फसलें नहीं होंगी तो तुम्हारा जीवन यापन कैसे चलेगा? न तो पेड़ बचेंगे, न ही वायु सुरक्षित बचेगी, प्रदूषित हो जाएगी। अगर आपकी इच्छा से ही सब कुछ होगा तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसलिए जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें एक्सेप्टेंस लाएं। किसी के दुख के दिन आएगी जीवन में कि नहीं आए? आए। जो लोग कहते ना कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, सबसे ज़्यादा दुखी वही है। आपके जीवन में किसने कहा दुख नहीं? बहुत दुख है। एक समाप्त होती समस्या दूसरी चालू। कोई व्यक्ति टेंडर ले ले, सोचता है कि ये टेंडर पूरा हो जाए अब टेंशन खत्म, अगला टेंडर फिर लेगा। वो पहले संतान को जन्म देती है माँ और यही सोचती है कि अब दूसरे को तो जन्म नहीं दूंगी, बहुत वेदना होती है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये संसार का चक्र है। इसका मतलब दुखों का आना जाना लगा रहेगा। बात इतनी है कि हमें दुखी नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी भी काफ़ी होती है, उससे भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही जो दुख के दिन हैं उसमें भी आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। जितने आप चाहेंगे अनुभव दुख के दिनों में मिलेंगे। सबसे पहले अपने पराए की परीक्षा हो जाएगी, तुम्हारा कौन है पराया कौन है, तुम्हारा कौन है पराया कौन है। कल वो सोने की स्याही से ग्रंथ लिखने वाले कारीगर आए थे, मैंने पूछा उनसे कभी जीवन में तुम्हारे दुख आया क्या? बोले हाँ गुरुदेव, बहुत बड़ा दुख आया। बोले मुझे अटैक आ गया, पत्नी को कुछ और हो गया था, हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई था ही नहीं। मैंने कहा रिश्तेदार? बोले रिश्तेदार तो बहुत हैं लेकिन एक ने भी साथ नहीं दिया। वो जो दोस्त थे उनसे पैसा लेकर के मैंने सब कुछ किया। समझ गए? दुख के दिन तो सब पर आते हैं, आएंगे। अब उनसे क्या निकाल सकते हैं, बात यह है। इसलिए नीतिकार कह रहे हैं कि उससे अनुभव निकाल सकते हो। एक माँ ने दूध में जामुन डाली, दही जमाया, बच्चा उदास। क्यों? बोले उसको दूध पीना था। फिर उसी माँ ने उस दही में पानी डाला, मठा बनाया, पति उदास क्योंकि उसको लस्सी पीनी थी। उस मटे को भांजा, मक्खन निकाल लिया, माँ खुश क्योंकि उसको दूध में भी पानी में भी मक्खन दिख रहा था। यही अनुभव की बात है। दुख के दिनों में जिसने अनुभव ले लिया है वो उसने सब कुछ कर लिया है। 2019 में बहुत पानी गिरा था भारत में, सारी फसलें खत्म, पूरी समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। जब 2019 में बहुत पानी गिरा और फसलें खराब हो गई, सब दुखी थे। एक गांव का बच्चा बड़ा खुश था। लोगों ने कहा कि तेरी फसलें खराब नहीं हुई? नहीं, मेरी भी पूरी फसल खराब हुई लेकिन मैं खुश हूँ। क्यों? बोले 4 महीने बाद बताऊंगा। जो उसकी खेत की मेड़ थी 2-2.5 फीट की, उसने उसको लेबर लगा के रातों रात मेहनत करके 10 फीट का कर लिया। कि पानी तो गिर ही रहा है, फसल तो खराब हो चुकी है,
उसने अपने खेत को बना दिया तालाब, 4 महीने तक 10 फीट पानी उसके पूरे खेत में भरा रहा। क्या किया उसने उस संकट के दिनों में भी? कुछ अच्छा कर लिया, अपने खेत का वाटर लेवल अच्छा कर लिया। बाकी दुखियों के रोते ही रहे। अब आने वाले 3 साल में उसने वो फसल करी जो 20 साल में कोई नहीं कर पाया, पानी वाटर लेवल अच्छा था। आप लोगों से भी यही बात कहनी है, अक्सर आप दुख के दिनों को बुरा मानते हैं, जबकि संकट के दिन आपको अनुभव देने आते हैं, सिखाने आते हैं, मजबूत बनाने आते हैं, और आप उसी समय बिखर जाते हो। संकट के दिन जब भी आए, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा करके जिया जाए, उससे अनुभव लिया जाए कि क्या अनुभव मिल सकता है। आपने काम कराया 60% 70% काम हुआ पत्थर का, और लेवर भाग गई, प्रायः होता है लेवर भाग गई। अब क्या हुआ, क्यों भाग गई? उसको पता था अब प्रॉफिट का समय खत्म हो गया, बराबर हो चुका है, निकल लो। अब आप दुखी हो रहे हो, क्यों? मैंने तो पूरी पेमेंट कर दी थी, कुछ पैसा रोक के रखते तो काम करता। ये अनुभव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये अनुभव कहलाता है। दुख के दिन आए, संकट के दिन आए, तो अनुभव लेना। एक बात ध्यान रखना, विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती, विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती, विपत्ति साथ में संपत्ति भी लाती है, वो है अनुभव की संपत्ति। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे अनुभव भी बढ़ना चाहिए। उम्र के बढ़ते पड़ाव में अगर अनुभव नहीं बढ़ा है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं करेगा, हंसी उड़ाएंगे लोग कि तुम्हारे पास इतने, तुमको इतना नहीं आता, इतने बड़े हो गए हो। अपन ने एडिकेट्स पढ़े बचपन में स्कूल में, एडिकेट्स, 2 लोग भोजन करने बैठे हैं, अगर एक ने भोजन कर लिया है पूरा हो गया तो दूसरे का इंतजार करो, आपसे बड़ा है पहले उसको भोजन कराओ फिर भोजन करना। क्यों? ये एडिकेट्स हैं। किसी सभा में आओ, देशना चल रही है, वक्तव्य चल रहा है, जहां हो वहीं बैठ जाओ। कई लोग लेट आते हैं आगे बैठते हैं, देखा भी नहीं देखा, पब्लिक फुल टाइट है, लेट आएंगे उठो किसको, और उसमें वक्ता को आपने डिस्टर्ब कर दिया। ये अनुभव विहीन है। अनुभव वाला होगा तो चुपचाप जहां होगा वहीं बैठ जाए। क्यों? बोले चुपचाप सुन लो भैया, चुपचाप सुन लो। तो दुख के दिनों में ये कभी ना सोचे कि दुख के दिन आपको दुख देने आए हैं, वो तो अनुभव देने आए हैं, और आप अनुभव ले नहीं पाए हो, ले नहीं पाए हो। एक व्यक्ति, उसने भगवान की बहुत आराधना की और भगवान उस पर खुश हो गए। जब भगवान खुश हो गए तो उसने बोला कि भगवान ने क्या चाहिए बताओ? बोले मैं कभी मरूं नहीं। भगवान ने कभी मरना तो पड़ेगा, हम भी मरे हैं, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बोले तो आप फिर कुछ ऐसा करो कि मरने के पहले हमको संकेत दे देना कि तेरे दिन नज़दीक आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, इतना चल जाएगा, कम से कम सतर्क तो हो जाऊंगा। 40 साल की उम्र में उसके बाल सफ़ेद हुए, 60 साल की उम्र में उसके दांत चले गए, 80 साल की उम्र में उसके हाथ में लकड़ी आ गई, और 82 साल की उम्र में परमात्मा लेने आ गए। बोले भैया आपने कोई संकेत तो दिया ही नहीं। भगवान धीरे से कहते, तेरे बाल काले से सफ़ेद होने लगे थे 40 साल में, मेरा पहला इंडिकेशन था। दूसरा इंडिकेशन तेरे दांत झर गए थे, तीसरा इंडिकेशन तेरे पैर कपकपाने लगे थे, तो फिर भी नहीं माना। अब चल, कम से कम बेचारे उस पागल के अनुभव से तुम तो जी सकते हो। हर साल पानी गिरता है, हर साल निश्चित जगहों पर बाढ़ आती है, फिर भी वहीं जमे रहते हो। अनुभवी बने, अनुभव से श्रेष्ठ कोई संपत्ति नहीं है। ध्यान रखना, अनुभव से श्रेष्ठ कोई संपत्ति है ही नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास लॉस में भी प्रॉफिट है, और एक्सपीरियंस नहीं है
तो प्रॉफिट में भी लॉस रहेगा। जो सब्जी बेचते हैं वो एक सब्जी देख के सोच बता देते हैं कि कितना भाव, जो सोना चांदी बेचते हैं वो एक कोई भी चीज़ देख करके बता देते हैं कि कितना टंच, जो पत्थर वाला है वो भाटा दूर से देख के बता देता है कि इसमें इतनी प्लाई, इतनी टाइल्स, इतने मार्बल, इतने इतनी बाई इतने का निकलेगा, ये टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा, ये क्या है, अनुभव। इसलिए अनुभव से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। जब भी कोई बिजनेस करो, जब भी कोई आगे भविष्य का निर्णय लो, एक्सपीरियंस के साथ लेना, इंटरेस्ट के साथ लेना, कभी असफल नहीं होगे। नीतिकार कहते हैं कि विपत्ति से श्रेष्ठ कोई विद्यालय नहीं और अनुभव से श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं। इस बात का एक्सपीरियंस तो आप लोगों को हो ही चुका होगा कि एक्सपेक्टेशन डिसाइड्स पीपल। दूसरों की इच्छाएं पूरी करोगे तो तुम अच्छे व्यक्ति हो, इच्छाएं पूरी नहीं करोगे तुमसे बुरा कोई है ही नहीं। बच्चे के लिए आप हर दिन आइसक्रीम लेके जाना अपने घर, रात को खुश होगा, पापा आइसक्रीम लाए, पापा आइसक्रीम लाए, और लाना बंद कर देना वही हाथ पैर चलाएगा तुम्हारे ऊपर। सही है, अनुभव। विपत्ति जब भी आती है कुछ ना कुछ देने आती है, आप भगा देते हो उसको, भगाओ मत। विपत्तियां आए उसको भगाओ मत, उसको फेस करो। राम ने विपत्तियां झेली थी, राम श्री राम बन गए थे। अयोध्या से लंका के स्वामी बन गए थे, कौन, राम। राम ने विपत्ति झेली ना, सीता ने विपत्ति झेली, तब तो सीता सीता से सती सीता बन गई। पांडवों ने कितना अपने आप को दुखों को सहन किया, भगवान पारसनाथ पर कितने उपसर्ग हुए। मतलब साफ है, विपत्तियां आएंगी तो ऊंचे उठोगे, विपत्तियां आएंगी और भागोगे, कहीं के नहीं बचोगे। जितनी तकलीफें आपके जीवन में आएंगी उतना अनुभव बढ़ेगा। अरे कम से कम कुछ हो ना हो अपने पराए की पहचान तो हो जाएगी। कभी आप लोगों ने गुरुओं के साथ पैदल पैदल एक एक कदम चले हो और उस जूते से या चप्पल से पैर कट जाए, बोलते ना चप्पल ने काट लिया, चप्पल से घाव हो जाए, दिमाग में अपने आप आ जाता है भैया अगली बार अपने को कोई लफड़ा नहीं करना, चप्पल पहन के बिहार नहीं कराना, जीन्स वीन्स पहन के नहीं चलना, क्यों, कैंची बन जाएगी, कट जाएगा, छिल जाएगा। बिहार में कैसे चलो, बोले हाफ पैंट लूज कपड़े हो। ये अनुभव मिल चुका है ना आपको, और यही अनुभव आपके जीवन में सब कुछ दे करके जाता है। इसलिए विपत्ति से बड़ा सुंदर श्रेष्ठ कोई विद्यालय नहीं और अनुभव से श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं। जितना बड़ा व्यक्ति बनना हो, पैसे वाला बनना हो, ज्ञानी बनना हो, नाम कमाना हो, अनुभव कमाओ। जिसके पास जितना बड़ा अनुभव होता है कहीं ना कहीं वो उतना गहरा भी होता है, उतना गहरा भी होता है। व्यापार में कभी नुकसान लगा नहीं लगा, जिसने कभी व्यापार में नुकसान नहीं खाया उसको एक बार ऐसा नुकसान लगेगा कि वो जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक बार में। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिसने एक बार नुकसान खाया है वो सतर्क रहता है। जिसके जीवन में विपत्तियाँ आ जाती हैं वो सचेत रहता है कि अरे यार पिछली बार ऐसा हो गया था। अभी अनुभवी बने, अपनी लाइफ को अनुभव से जोड़ें। जितना अधिक आप हो सके अनुभव लें, हर अपनी जिंदगी से लें, दूसरे की जिंदगी से लें, अपने मोहल्ले में जो घूम रहे हैं उनसे अनुभव लें, दोस्त है व्यापारी उससे अनुभव लें, बच्चों से अनुभव लें, जिस जिसने चोट खा ली उन सबसे अनुभव लें। एक अनुभव आप लोगों को हो चुका है, बताऊं क्या, एक ही ऐसा स्थान है जहां चोट के पहले हल्दी लगती, वो है शादी। चोट के पहले हल्दी लगा दी जाती है, क्यों भाई, तुम देख लो, तुम समझ लो, अभी भी टाइम है। घोड़ी पर बैठाते हैं कटार घोड़ी पर बैठाते हैं कटार पकड़ाते हैं, क्यों,
कि घोड़ी मचलेगी तू तू तलवार को कुछ नहीं कर पाएगा कटार से, ऐसी शादी हो रही है घोड़ी मचलेगी तू कटार से कुछ नहीं कर पाएगा, अनुभव देने के लिए। और सुनो वो एक रस्म और होती है, एक कटोरे में या एक बर्तन में दोनों अपनी अपनी अंगूठी डालते हैं और ढूंढते हैं, ये नाटक है ना, ये नाटक नहीं है, मालूम चल जाएगा कि कौन किस पे राज करेगा। अंगूठी तो वापस कर दी जाती है, फिर गठान बांधती है पत्नी अपने पति के हाथ में और पति पत्नी के हाथ में, अपने हाथ से खोलना पड़ता है। जो खोल लेगा उसका मतलब क्या है, टाइम पास नहीं है, इसका मतलब ये इसके राग से छूट जाएगा। एक चावल थाली में चावल लेते हैं, कुछ ना कुछ लिखवाते हैं, एक दूसरे से पढ़वाते हैं, क्यों पढ़वाते हैं, एक मालूम करने के लिए कि एक दूसरे को कितना समझेंगे। ये बुजुर्गों का अनुभव, अब आज तो कुछ होता ही नहीं है, शादी हुई शाम को लैपटॉप पे दोनों ही बैठे हैं, वर्क फ्रॉम मैरिज हॉल। अनुभव लें, अपने इस जीवन को अनुभव से जोड़ें, कोई भी विपत्ति आए घबराना नहीं, संपत्ति देखे जाती है और अगर पुण्य आत्मा हो तो अनिष्ट भी इष्ट होगा। जब बीच के ऊपर संकट आता है तब कहीं जाकर के बड़ा विशाल वृक्ष बनता है, जब आपके ऊपर संकट आता है तब कहीं जाकर के आपका व्यक्तित्व विशाल बनता है। अपन बड़े व्यक्तित्व के स्वामी बने, सामान्य से विशेष का जीवन जिए, अनुभव। उसी डॉक्टर के पास जाते हो आप जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है, उसी इंजीनियर से घर का काम कराते हो जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है, उसी वास्तु वाले को बुलाते हो, उसी ज्योतिष वाले के पास जाते हो जो अनुभवी होता है। लेकिन कोई पुराना हो जाए तो उससे अनुभवी नहीं होता, अनुभवी की भी पहचान कर लेना मेरे भाई, अनुभवी की भी पहचान करना कि उसने क्या अनुभव लगाया है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए गलत को सही मान बैठ जाओ। एक राजा ने एक व्यक्ति को मंत्री ऐसा अपॉइंट किया, सेनापति, क्यों वो जा रहा था उसने देखा कि उसके सर के यहां से लेके यहां तक इतना बड़ा कट लगा था। राजा बोला कितना जावाज तू आज से सेनापति। बोले राजा मैं योग्य नहीं हूं। बोले तू सेनापति, 10-12 साल तक बढ़िया वो भी ऐश करा उसने, सेनापति बन गया। 12 साल बाद युद्ध हुआ, राजा ने कहा जा भाई लड़ाई कर, जीत के आना। बोले राजन मुझसे तलवार चलाते नहीं बनती। जो ये लगा कैसे, बोले घर का टीन सेट गिर गया था तो कट गया था। राजा ने अनुभव के साथ काम नहीं किया, कम से कम आप तो अनुभव के साथ काम करें, एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को एक अलग हाइट देता है। विपत्तियां आए तो घबराना नहीं, आपको एक हाइट मिलने वाली है, कोई रोके टोके जिंदगी में, घबराना नहीं, संकट आपके लिए संपत्ति देके जाएगा ऐसा सोचना। शेष आगे देखेंगे, भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।